आज हम शुरू करेंगे फार्मेसी प्रैक्टिस यानी कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर में है और बी फार्मा फाइनल ईयर में फार्मेसी प्रैक्टिस के नाम से इंक्लूड किया गया है दोस्तों आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर टू यूनिट नंबर वन का है हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन देखिए दोस्तों इस चैप्टर से दो तीन क्वेश्चन चाहे वो डिप्लोमा हो या फार्मेसी हो और चाहे वो कम्पिटेटिव एग्जाम हो इसमें से दो तीन क्वेश्चन फिक्स है वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं जैसे एक क्वेश्चन है रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप उठा के देखेंगे पेपर कई सालों का वो क्वेश्चन आता ही आता है दूसरा है ले आउट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी ये आता है और फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी में जो कितने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन मतलब कितने लोग होते हैं किस किस डिपार्टमेंट में किस किस पोस्ट पे और उनके क्या फंक्शन होते हैं ये तीन क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे तो पहला टॉपिक क्या है कि डेफिनेशन जान लेते हैं कि वट इज़ द हॉस्पिटल फार्मेसी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हॉस्पिटल क्या होता है उसको समझा था डेफिनेशन है हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ द डिपार्टमेंट सर्विस और अ डोमेन इन अ हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोफेशनली कंपिटेंट लीगली क्वालिफाइड पर्सन यानी हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसा विभाग है जिसका बेसिकली काम क्या है कि अस्पताल के अंदर जितने भी मैं आपके क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं उनको मैनेज करना जैसे आप इसको समझिए आसान भाषा में कि एक कोई सरकारी अस्पताल है उसमें सत्रह से अठारह फार्मासिस्ट की पोस्टिंग है अब सत्रह से अठारह फार्मासिस्ट जो है वो सारे के सारे दवा थोड़ी ना बांटेंगे उसमें से कुछ ओ में दवा बांटेंगे कुछ आई में रहेंगे कुछ इमरजेंसी में रहेंगे कुछ स्टोर में रहेंगे कुछ लोकल परचेज में रहेंगे कुछ कंप्यूटर सर्विस और सॉफ्टवेयर वगैरह वाला काम देखेंगे ठीक है कुछ आ, डेटा इनपुट करेंगे यानी सारे फार्मासिस्ट का काम बांटा रहेगा और इन सबको मैनेज करने वाले को ही संस्था को बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी चलिए अब हम जान लेते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्यों बनाया जाता है क्या इसका काम होता है इसके बेसिकली कुछ काम है पहला सप्लाई ऑफ ड्रग किसी भी अस्पताल में जहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी का पहला काम है कि ड्रग की सप्लाई प्रॉपर बनी रहे कोई भी दवा शॉर्ट ना हो और कोई भी दवा इतना एक्सेस ना हो जाए कि वो एक्सपायर होने लगे ठीक है दूसरा फिलिंग ऑफ स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन जो भी आपके स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन है ड्रग्स के हैं उसको रीड करना फिल करना और उसको पेशेंट को देना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स ठीक है किसी किसी बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स में दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग डिस्पेंसिंग कंपाउंडिंग भी होती है जो कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ही देखते हैं स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द नार्कोटिक एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उसका स्टोरेज करना डिस्पेंस करना ठीक है उसको बकायदा स्टोरेज करते हैं रेफ्रिजरेटर में बाकायदा में उसको देखना सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ द एंड प्रोडक्ट ठीक है बाकी प्रोडक्ट की सप्लाई को मेनटेन रखना बात करते हैं कि व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल सर्विस तो ये हॉस्पिटल फार्मेसी का ही पार्ट है तो फार्मास्यूटिकल सर्विस क्या है किसी भी हॉस्पिटल में इन हॉस्पिटल कंप्राइज ऑफ द सर्विस रेंडर्ड टू द पेशेंट थ्रू अ नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ लाइक ठीक है जो फार्मास्यूटिकल सर्विसज है जो कि फार्मासिट के द्वारा जो सर्विस दी जाती हैं किसी भी अस्पताल में उसको फार्मास्यूटिकल सर्विसेज करके वो क्या क्या हो सकती है जैसे कि किसी भी ड्रग का डिस्पेंस करना उसको दवा को पर, काउंटर से बांटना डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग मैनेजमेंट ऑफ द स्टोर्स विच इंक्लूड्स मैनेजमेंट जो भी अलग अलग स्टोर जहाँ पे ड्रग स्टोर होते हैं उसको इंक्लूड करना मैनेज करना जैसे कि क्या कर्चेज ड्रग का परचेज फार्मेसी थिरोबेटिक कमेटी होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले आने वाले लेक्चर में कि पी टी सी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में जानेंगे उसका काम है परचेज़ करना इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना कि स्टोरेज कैसे करना है किस आइटम को जैसे कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट उसको फ्रीज़र में रखना है कुछ वैक्सीन्स हैं कुछ इनहेलर्स हैं उसको आपको नॉर्मल टेम्परेचर रखना है कुछ एक टैबलेट है उसको आप 35 तक तो रख सकते हैं वो इसको गाइडेंस देना मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द ड्रग परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूट कितना दवा बांटा गया है कितनी दवा खरीदारी हुई है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड मेंटेन करना प्रोवाइडिंग द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग सर्विस जो भी पेशेंट को दवा दी जा रही है उसको मॉनिटर करना जैसे कि हमारे लिए कोई पेशेंट है उसको एक इंसुलिन चल रहा है तो उसको कितना यूनिट इंसुलिन देना है कोई ड्रग है उसको सुबह शाम कब देनी है महीने में कितनी बार खाना है ये सारा मॉनिटरिंग करना एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर ठीक है जो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर है जहाँ से हमको दवा के बारे में नॉलेज मिलती है उसके बारे में हमेशा मेंटेनेंस करना इस्टैब्लिस करना और बाकी फार्मासिस्ट को उसके नॉलेज देते रहना पेशेंट काउंसलिंग सर्विस यानी पेशेंट को दवाओं के बारे में काउंसलिंग करना बीमारी से कैसे करना है कब दवा खानी है कैसे खानी है क्या परहेज़ करना है ये पेशेंट काउंसलिंग करना मेंटेनेंस लियासन विद द मेडिकल स्टाफ नर्सिंग स्टाफ एंड द पेशेंट हमसे देखो किसी भी अस्पताल में मरीजों नर्सेस डॉक्टर इन सब के बीच जो कनेक्टिंग लिंक होते हैं जो सबको जोड़ने वाला काम करता है वो फार्मासस्ट होता है तो फार्मेसी का एक बहुत बड़ा काम ये भी है टू तो मेंटेन द नर्सिंग डिपार्टमेंट एंड द सेंट्रल स्टल्ट इसको भी कंट्रोल करना बाकी पार्टिसिपेट इन द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ़ द नर्सिंग एंड फार्मेसी जो बच्चे आ रहे हैं नए नए ट्रेनिंग करने आपके फार्मेसी में ट्रेनिंग करने बच्चे आते हैं उनको एजुकेट करना उनको सिखाना भी काम आपका होता है ठीक है अब एक टॉपिक मैंने कहा चैप्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा बहुत बार पूछा गया है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल फार्मासिकॉर्ट में पूछेगा आपको बस ऐसे ही पॉइंट वाई पॉइंट एक्सप्लेन करेगा चार नंबर या तीन नंबर जैसा क्वेश्चन आपका पेपर का पैटर्न होता है उसी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे तो आपको बस यही पॉइंट वाई पॉइंट लिखने में आपको बारी बारी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहला है टू प्रोवाइड एंड एवेलुएट फार्मास्यूटिकल सर्विस यानी कि आपको पहली बात तो उस हॉस्पिटल में फार्मास्यूटिकल सर्विस सप्लाई करनी है पूरे वन पेशेंट से लेकर डॉक्टर तक उसके बाद उसको बीच बीच में एवेलुएट करते रहना एजुकेट करते रहना कि वो क्या वो सर्विस हमारी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं ये काम है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का दूसरा टू ड्रॉ अ प्लान फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन समय समय पर आपको हॉस्पिटल के फार्मेसी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रशासन के लिए कि किसको स्टोर में रखना है किसको ओपीडी में रखना है कितने लोग स्टोर में रखना है शिफ्ट कौन सी लगेगी किस टाइम किसकी ड्यूटी होनी कौन सा दवा किसका देना है किसकी दवा को पहले निकालना है किसकी एक्सपायरी जल्दी है ये सारा मैनेजमेंट सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक प्लान बनाना फार्मासिस्ट का काम होता है टू इस्टेब्लिस लेन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ एंड मेडिकल डॉक्टर्स देखिए डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक कनेक्टिंग लिंक बनाने का काम भी फार्मासिस्ट को करना होता है करते हैं टू एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट फॉर द डिपार्टमेंट एंड एन्फोर्स द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एडिक्वेट एंड कंपनसेट स्टाफ ठीक है क्या करना है कि बीच बीच में अगर कोई काम ज़्यादा है जैसे कोविड आया था अस्पताल में सब बढ़ाना पड़ा काम ज़्यादा हो गया तो कब किसका रिक्रूटमेंट करना है किसको कहाँ पर लगाना ये सारा काम भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ही होता है टू डेवलप एंड मेटेन एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्लीनिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट जितनी भी दवाओं का एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों का लेटर्स वगैरह है उन सबका रिकॉर्ड और रिपोर्ट भी मैंटेन रखना होता है टू पार्टिसिपेट इन द एडियर टू द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द और अस्पताल में कितने रुपए खर्च दवाओं पर करना है कितने रुपये की मेडिसिन आनी है कितने इक्विपमेंट्स आने हैं क्यों से फ़ीजर आना है इस सारों का जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान फाइनेंशियल प्लान भी बनाने में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हेल्प करते हैं ठीक है मैं आपको एक ओवरली डायग्राम के बारे में देख बता सकता हूँ कि फार्मेसी का जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं वो हॉस्पिटल और क्लिनिकल स्टाफ के बीच कनेक्टेड लिंक की तरह काम करते हैं वो नर्सिंग स्टाफ के साथ कनेक्टेड लिंक की तरह काम करते हैं वो हॉस्टल और अदर डिपार्टमेंट से लैब हो गया रेडियोलॉजी हो गया इन यहाँ भी कनेक्टेड लिंक की तरह काम करते हैं हॉस्पिटल जो कमेटीज़ हैं उनके साथ भी कनेक्टिव लिंक की तरह काम करते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कनेक्टिव का लिंक काम करते हैं और पेशेंट के साथ यानी ये जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो सेंट्रल और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है किसी भी हॉस्पिटल का जो सभी के साथ इंटरकनेक्टेड रहकर कम्युनिकेशन करता है और डेटा और नॉलेज को ट्रांसफ़र करता है ठीक है अब एक नया टॉपिक है हॉस्पिटल फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी भी हॉस्पिटल के फार्मेसी में जितने भी फार्मासिस्ट हैं कहना है कि मान लीजिए सत्रह या अठारह फार्मासिस्ट एक हॉस्पिटल में है बड़े में तो उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा कैसे होंगे किस डिपार्टमेंट होंगे कौन सीनियर होगा कौन जूनियर होगा सीनियर का नाम क्या होगा जूनियर का नाम होगा किस पोस्ट पर होंगे इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो अब देखिए स्ट्रक्चर में दो इंपॉर्टेंट uh, प्रोसेस होता है टू स्टेप प्रोसेस होता है पहला फार्मेसी मैनेजर आइडेंटिफाई या रिलेटिवली स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन दैट मोस्ट क्लोजली फिट द फार्मेसी नीड्स द डिजाइन इज मॉडिफाइड टू मैच द यूनिक रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मेसी इन हॉस्टल स्ट्रक्चर यानी जो हॉस्टल फार्मासिस्ट में फार्मेसी का जो मैनेजर होता है मेन मेनजर चीफ फार्मासिस्ट है उसका काम है कि वो इस तरह से ढांचा बनाए इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए फार्मासिस्टों का जो सभी फार्मेसी को नीड्स को फुलफिल कर सके पता चला कोई फार्मासिस्ट है उसने मेनटेनेंस अच्छा नहीं किया स्टोर में दो लोगों को भेज दिया ओ में जहाँ पर चार काउंटर है वहाँ पर आठ लोगों को लगा दिया अब उसमें से चार खाली बैठे रहेंगे अब स्टोर में काम ज़्यादा है वहाँ दो ही फार्मासिस्ट है तो काम वहाँ पर कम हो रहा है सप्लाई ड्र के रुक रही है या स्टोर में दस लोग को भेज दिया ओ में चार काउंटर में दो ही लोग को बैठा दिया अब वो काम नहीं कर पा रहे पेशेंट की भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही आप बातों को समझिए यानी कुल मिला आपको ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जहाँ पर सभी की नीड फुलफिल हो ना कोई सरप्लस हो ना कोई कम हो ठीक है द साइज एंड नेचर ऑफ द फार्मेसी डिपार्टमेंट्स मैनेजमेंट स्टाफ विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पर्सनल इन डिपार्टमेंट एंड स्कोप ऑफ सर्विस यानी कौन सा बंदा किस जगह पे कितना काम करेगा उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों को नियुक्त करना है स्मॉल फार्मेसीज टेंड्स यू होम मज सिंपल वर्जन जो छोटी फार्मेसी होती है छोटे अस्पताल होते हैं वहाँ पे बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग होते हैं वहाँ पे बेसिकली कोई खैसी दिक्कत नहीं आती लेकिन जो बड़ी फार्मेसी है लार्ज फार्मेसीज़ विथ असिस्टेंट चीफ फार्मास सुपरवाइजर अनप्रोफेशनल पर्सनल वहाँ पर ढेर सारे लोग होते हैं इसलिए वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है अब आपको मैं एक दिखाता हूँ पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपको कॉपी में ऐसे ही बनाना है अपने सबसे पहला एक डायरेक्टर या डीन होता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट यानी जो अस्पताल का सबसे बड़ा मालिक होता है ये फार्मासिस्ट नहीं होते ये डॉक्टर्स होते हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं जिसको हम सी कह सकते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर या सी बोल देखते हैं चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट या इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं तो ये डीन या डायरेक्टर अगर कोई कोई अगर मेडिकल कॉलेज है डायरेक्टर या डीन होते हैं तो सबसे हेड होते हैं उसके अंदर आते हैं डायरेक्टर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज यानी अलग अलग जो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज जैसे स्टोर तो स्टोर का चीफ़ फार्मासिस्ट आएगा ओपीडी ओपीडी का चीफ़ फार्मासिस्ट आएगा परचेज़ परचेज का चीफ़ फार्मासिस्ट आएगा यानी सभी फार्मासिस्ट सर्जरीज के जो चीफ होते हैं डायरेक्टर्स डे, होते हैं वो उनके नीचे काम करते फिर उनके नीचे फार्मेसी इंचार्ज होते हैं यानी उस डिपार्टमेंट का इंचार्ज कौन है स्टोर का इंचार्ज कौन है ओपीडी का इंचार्ज कौन है इमरजेंसी का इंचार्ज कौन है आई का इंचार्ज कौन है सारे इंचार्ज अब इंचार्ज के अंदर कौन कौन आते हैं उस पर डिस्पेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग यानी इसमें कौन आते हैं जो काउंटर पर दवाई बांटते हैं एक इसमें एक है, एक आउ एक आई पी डी होते हैं एक आउट पेशेंट होते हैं दूसरा मैनुफैक्चरिंग अगर दवाई मैनुफेक्चर हो रही है डिस हो रही तो उसके लिए भी फार्मेसी से क्वालिटी कंट्रोल लगातार दवाओं की टेस्टिंग होती रहे जो दवाइयाँ खरीद के आई हैं या बनाई गई है उसकी क्वालिटी कैसी है वो एक्सपायर तो नहीं हो रही है ये सब चीज़ चेक करना अगला ड्रग मॉनिटरिंग एंड सर्विस जो कंप्यूटर में बैठ कर सारा सा मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन सी दवा की एक्सपायरी जल्दी होने वाली है कौन इस महीने एक्सपायर हो रही है किसकी एक्सपायरी कितने साल की कितना ड्रग सॉल्ट हो रहा है कितना ड्रग मंगाना है कितना ड्रग ऑर्डर करना है ये सारा ड्रग मॉनिटरिंग का और चौथा काम है मेडिकल रिकॉर्ड जो जितनी भी दवाइयाँ हैं जितनी भी बेची गई जो पेशेंट हिस्ट्री है वो सारा रिकॉर्ड कीपिंग करना ये है तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दोस्तों आपको ऐसे बना देना है कॉपी में कुछ भी लिखना नहीं है ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और आपके लिए इतना पर्याप्त है अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि लोकेशन एंड लेआउट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी है दोस्तों उसका लोकेशन या लेआउट कैसा होना चाहिए उसका आप एक देखिए जरूरी नहीं कि आप यही वाला बनाइए यहाँ पे आपके सामने दो है स्कीम वन और स्कीम टू दो प्रकार के हॉस्पिटल फार्मेसी दिए गए हैं आप कोई सा बना सकते हैं या अपने से भी कुछ अच्छा डिजाइन कर सकते हैं बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है वो ये है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जूम करके जो तो पहला वाला बीच में तो आपका वर्किंग एरिया है जहाँ पे उस पूरे फार्मेसी में जहाँ पर आपका टेबल लगेगा डेस्क लगेगा और जहाँ पर आप एक चीफ फार्मासिस्ट

मलेरियल uh, ड्रग्स रखेंगे फिर ओरल ड्रग ओरल ड्रग इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं और ये आपको जो चार खिड़की दिख रही है वन टू थ्री फोर ये क्या है आपकी खिड़कियाँ हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट बैठ के दवाइयों को बांटेगा एक डिजाइन ये है दूसरा डिजाइन आपके सामने दोस्तों ये है आप देखिए इस खिड़की का डिजाइन थोड़ा सा चेंज है वन टू थ्री फोर बाकी सारा लगभग सेम है तो आप दो में से कोई एक डिजाइन याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में जरूर आता है हॉस्पिटल फार्मेसिज का लेआउट जरूर आता है तो उसको लेआउट को आपको बनाना है और यहाँ से आप उसको देख के लिख लीजिएगा चलिए एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जो बाहर साल अब जी पैड वगैरह में या किसी भी फार्मेसी एग्जाम में आप देते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कितने हमको फार्मासिस्ट चाहिए तो बस इसको आपको ऐसे कॉपी में लिख लेना अगर कोई अस्पताल में 50 की बेड स्ट्रेंथ है तो हमको तीन फार्मासिस्ट चाहिए 100 की बेड स्ट्रेंथ है तो पांच फार्मासिस्ट चाहिए 200 की स्ट्रेंथ है तो आठ फार्मासिस्ट चाहिए तीन सौ की स्ट्रेंथ है तो दस फार्मास चाहिए और पांच सौ बेड की स्ट्रेंथ है तो, तो हमें कम से कम पंद्रह ये डेटा जरूरी जानते हैं क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चीजें पूछी जाती हैं चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक है रोल एंड रिस्पॉसिबिलिटीज ऑफ हॉस्टल फार्मेसी मैंने बताया कि हॉस्टल में कई तरह के फार्मेसी होते हैं इंडोर में अलग होते हैं आउटडोर में अलग होते हैं स्टोर में अलग होते हैं ओपीडी में अलग होते हैं दवा डिस्पेंसिंग वाले अलग होते हैं तो सभी का अपना क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ये लास्ट टॉपिक है तो चलो इसको बारी बारी से देख लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीडी यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट में उससे सबसे पहले हम बात करेंगे जब

All ड्रग्स आर stored dispensed करेक्टली आपको ये ध्यान देना कि सभी दवाइयाँ पूरी अच्छी तरह से स्टोर की गई हैं और सप्लाई बहुत प्रॉपरली है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द डोज़ प्रिपेयर जो भी डोज बनाया गया है पेशेंट को देने के लिए वो प्रॉपर है कि नहीं है टू प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ द बिल जितने भी बिल पेशेंट के हैं उसको और रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है टू कोऑर्डिनेट ओवरऑल फार्मास्यूटिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट केयर पेशेंट के लिए जो भी फार्मास्यूटिकल नीड है जो भी दवाइयाँ चाहिए टाइम से वो उसकी सप्लाई मेंटेन करना टू इन्श्योर दैट द एस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लेट डाउंस और द फॉलोड जो भी पॉलिसी प्रोसीजर है उसका पालन किया जा रहा है पूरी तरह से सारे लड़के उसका पालन कर रहे हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को मैंटेन किया जा रहा है फार्मेसी के स्टाफ सभी जो डेवलपमेंट सब में कम्युनिकेशन प्रॉपर है अगर कोई पेशेंट केयर एरिया में है यानी कहाँ पे है कोई जो वार्ड में ऐसा पेशेंट फार्मासिस्ट जो वार्ड के अंदर ड्यूटी कर रहा है जहाँ पे पेशेंट है तो उस एरिया को बोलते हैं पेशेंट केयर एरिया वहाँ पे फार्मासिस्ट का रिस्पॉसिबिलिटी क्या है टू मेंटेन लाइसेंस बिटवीन द नर्सेज नर्सेज के बीच कोऑर्डिनेशन बना के रखना आपस में उनके साथ और ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इस इसमें सभी मरीजों को जो दवा दी जा रही है नर्सेज द्वारा उसको चेक करते रहना क्या वो दवा सही है क्या वो डोज सही है ठीक है टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड एसोसिएट टू जूनियर फार्मास जो भी फार्मास आपके अंडर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, छोटे बच्चे उनको लगातार इंस्ट्रक्शन देना उनको सिखाते रहना और टू कोऑर्डिनेट ओवरऑल फार्मास्यूटिकल सर्विसेज ऑन द रनिंग यूनिट ठीक है सर्विस को कंट्रोल करना अगला है डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया जहाँ पे पेशेंट इकट्ठा होते हैं उस एरिया में क्या फार्मासिस्ट काम है तो बिल्कुल सेम वही काम है आइडेंटिफाइंग ऑफ ड्रग बॉर्ड इंड हॉस्पिटल बाय द पेशेंट जो पेशेंट दवा घर से लेके आ रहा है अपनी दिखाने वाले की देखिए हमें ये दवा खा रहे थे हमको ये दवा और डॉक्टर साहब लिखे हैं चाहिए तो उनकी दवाओं को देखना उनको समझाना ऑप्टेनिंग ऑल मेडिसिन हिस्ट्री कम्युनिकेटिंग मरीजों से बात करके उनके सारी हिस्ट्री लेना दवा कब से खा रहे हैं क्या दिक्कत है किस टाइम खाते हैं वो सारी चीज़ें पूछना उनसे उनको बताना कि सिलेक्शन ड्रग प्रोडक्ट्स और दियर एक्टिविटी उनको बताना है कौन सी दवा आपको खानी है कैसे खानी है क्या पहचान करना है उनके थेरेपी के बारे में समझना उनके इफेक्ट साइड इफेक्ट टॉक्सिसिटी एलर्जी सभी के बारे में पेशेंट को बताना पेशेंट की काउंसलिंग करना और कार्डियो पल्मोनरी इमरजेंसी में अगर किसी पेशेंट को पड़ता है तो आप उसमें आप उसको होता है जो जर्द दे रहा जो भी होता है ये सब चीज़ें आपको इमरजेंसी में करना होगा ठीक है आउटडोर फार्मासिस्ट अगर कोई फेमस आउटडोर में है ओ में बैठा हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सेंट्रल एरिया में है तो सिर्फ जैसे वहाँ थी प्रॉपर टेक्निक का यूज़ करना है ठीक है एक्सट्रीम पोरिस कंपाउंडिंग करना है एडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग करना है मेंटेनेंस प्रिस्क्रिप्शन फाइल करना है ठीक है ये हो गया और अगर पेशेंट केयर एरिया में है तो सेम वही इंस्पेक्शन करना है मेडिकल एरियाज़ का ड्रग जो दिया जा रहा है पेशेंट को उसको रिकॉर्ड को चेक करना है ड्रग की मॉनिटरिंग करना है और पेशेंट के ड्रग का प्रॉपर यूज जो है मेडिकेशन करना है ठीक है दोस्तों तो ये चैप्टर नंबर टू खत्म हो गया हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस का अब हम चैप्टर नंबर थ्री लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे उसको तब तक आप पढ़ते रहिए आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं कोई और अगर आप सुधार करना चाहते हैं मुझे बताइए मिलते आपसे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय